हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सविता इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज़ फॉर क्लास 8 एंड नेम ऑफ द टॉपिक इज़ अ शॉर्ट मानसून डायरी। हेयर नेम ऑफ द राइटर इज़ रस्किन बॉन्ड। ए शॉर्ट मानसून डायरी, ये बेटा सीजन जो है वो मानसून है और उस सीजन के अंदर जो राइटर हैं हमारे, उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी डायरी में लिखे हैं। रस्किन बॉन्ड के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने डायरी में लिखे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, डू यू नो व्हाट ए डायरी इज़। क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या है, डायरी किसे कहते हैं, डायरी कब लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, कैसे? तो डायरी क्या है बेटा, इट इज़ ए रिकॉर्ड, पर्सनल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड होता है, रिटन डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद एक दिन, मीन्स हर रोज़ जो है डे बाई डे लिखी जाती है और बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए जिसको लिखा जाता है। उसमें कई बार डायरी में हम नोट डाउन करते हैं कुछ थिंग्स की जो फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, या कुछ चीज़ें जो हमें इमिडिएट अप्लाई करनी होती हैं उन चीज़ों को हमें डायरी के अंदर लिखते हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और प्रेजेंट की भी प्लानिंग करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज, एक बहुत सारी डायरीज जो है बेटा फेमस हैं, उनमें से एक जो फेमस डायरी है, जो बुक है, वो है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये है बेटा 10th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे आगे चल के। और यहाँ जो डायरी हम इस चैप्टर में जो डायरी पढ़ेंगे वो रस्किन बॉन्ड की डायरी है, और उनके रस्किन बॉन्ड की डायरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं, फ्यू एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं, मीन्स कुछ पार्ट हिस्सा लिया गया है। विच ही पोर्ट्रेज, और वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, नेचर की प्रकृति के कुछ ऐसे मिरेकल जो हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और कुछ जॉय, कुछ खुशियाँ और कुछ रिग्रेट लाइफ के। देन रीड नाउ। तो डायरी बेटा क्या है, डायरी जो है वो आपको मैं दिखाऊँ कि डे बाई डे जो है डेट के अकॉर्डिंग होती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डायरी की स्टार्टिंग होती है हमारी, वो June 24 से हुई है। इट मीन्स राइटर ने जब लिखना स्टार्ट किया है तो देखो जून, इसके बाद ही हमारा मानसून सीजन स्टार्ट होता है, बारिश आती है, तो ये मानसून की डायरी है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, जो फर्स्ट डे है मानसून मिस्ट का, मीन्स धुंध का, वर्षा की ऋतु का और धुंध का जो है पहला दिन है। एंड इट्स स्ट्रेंज, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है कि हाउ ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट, कि कैसे सभी जो पक्षी हैं वो चुप हो गए हैं। एज द मिस्ट कम्स, जो धुंध है वो आ रही है, क्लाइंबिंग अप, ऊपर चढ़ रही है, हिल, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देती है, और पक्षी जो चुप हो गए हैं, शायद उसका परहैप्स इसका जो रीज़न है वो यही है बेटा, जो मेलंकली का, उदासी का यही रीज़न है कि जो मिस्ट है, जो धुंध है, वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ती आ रही है। नॉट ओनली डज इट कंसील, कंसील होता है बेटा हाइड, छुपाना, धुंध जो है केवल पहाड़ी को ही नहीं छुपाती है, लेकिन वहाँ पर जो है पक्षी हैं वो भी बिल्कुल उसको देखकर चुप हो गए हैं, और सारा वातावरण जो है वहाँ का वो बिल्कुल शांत हो गया है। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, लेकिन ये एक ऐसा ब्लैंकेट वैसे होता है बेटा, जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने आप को, तो जो मिस्ट है, जो धुंध है, वो कवर कर लेती है पहाड़ी को, और सारी जगह पर जो है चुप्पी छा जाती है, साइलेंस हो जाती है। ओनली एन आवर अगो, राइटर कहता है कि एक घंटे पहले जो ट्रीज वर रिंगिंग, बज रहे थे पेड़, कैसे बज रहे थे, विद बर्ड सॉन्ग, ये नहीं है बेटा कि वहाँ बेल बज रही थी, मतलब वहाँ पक्षी गाना गा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अब पेड़ जो हैं धुंध के आने के बाद इतने बिल्कुल साइलेंट और स्टिल हो गए हैं, वहाँ पक्षियों के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मिडनाइट है, आधी रात है। लेकिन वहाँ जो है बीजू नाम का एक लड़का है बेटा, उसके बारे में राइटर कहते हैं कि जो मिस्ट है, दो द मिस्ट, बीजू इज़ कॉलिंग, अब बीजू जो है अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है, आई कैन हियर, मैं जो है इतनी धुंध है कि मैं उसको रनिंग करते हुए नहीं देख पाता हूँ, लेकिन उसकी जो
कैन सी हिम, उसको कांट सी हिम, उसको देख नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उसकी जो आवाज़ है आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द, जो उसके दौड़ने से उसके पैरों की जो आवाज़ है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता हूँ क्योंकि धुंध में धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब नेक्स्ट जो है बेटा, आप देखो 24 जून के बाद 25 जून को राइटर ने क्या लिखा है। नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे 24th को उसने उतना ही लिखा, अभी 25th में क्या लिख रहा है, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन, कि कुछ जो अर्ली मानसून है मीन्स जो 25th को जून बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, वो बहुत ही वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट है। देखो बहुत ज़्यादा, हमें भी पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और एनवायरनमेंट में जब ह्यूमिडिटी क्रिएट हो जाती है इट मीन्स वो सिंबल्स होते हैं कि अब मानसून आ गया है और बारिश होने वाली है। एंड नोट दैट कोल्ड हाई, और ये बात जो बारिश है वो इतनी ठंडी नहीं है, कोल्ड नहीं है कि जो मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बारिश जितनी बारिश के दिनों में या मतलब मानसून से बाद में थोड़ा सा, या आप ये कह सकते हैं कि सर्दी की जो ऋतु है उसके शुरू होने से पहले जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और राइटर यहाँ कहते हैं कि ये बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। सभी को पता है कि ये जो जितनी ऊंचाई वाली जगह में जो है पूरे वर्ष में जो बारिश होती है, जो हाई प्लेसेस के ऊपर, जो ऑल्टीट्यूड प्लेसेस के ऊपर जो ऑल ईयर में बारिश होती है उतनी ठंडी बारिश नहीं है, और जो प्लांट्स हैं उनको इन चीज़ों का पता है, सीम्स टू नो, उन्हें पता है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर, और जो कोबरा जो लिली प्लांट है, ये देखो बेटा ये जो प्लांट है इसको कोबरा प्लांट कहा है बेटे, ये प्लांट ऐसे निकलता है और ऐसे कोबरा की तरह से आगे से इसकी सेप हो जाती है, तो ये इसको एनवायरनमेंट चाहिए बेटा, ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए और बारिश चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट भी जो है इन्होंने भी क्या है इस एनवायरनमेंट को पहचान लिया है, और ये भी अपने फर्न से जो है इन्होंने अपना हेड ऊपर करना स्टार्ट कर दिया है। और राइटर देखता है इन्हीं सब प्लांट्स को, आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो मैं इन सब प्लांट्स को देखता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, मीन्स बेटो देखो इतनी धुंध है बहुत ज़्यादा और सब जगह मीन्स सब कुछ सीक्रेट दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड, एक स्कूल बॉय राइटर कहता है कि उसने कहा कि आप डिस्क्राइब कीजिए ये जो हिल स्टेशन है इसका वर्णन कीजिए एक सिंगल सेंटेंस के अंदर, तो राइटर कहता है कि आई कुड से, मैं यही कह पाया कि ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ये एक स्वर्ग है, कि ये एक स्वर्ग से ज़्यादा बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता, एक स्वर्ग ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा 27th जून, द रेन्स हैव हैड, रेन जो है बेटा देखो बारिश आ जाती है तो नए नए इंसेक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। अब उन्होंने रेन ने किसको हेराल्ड किया है, किसको कॉल किया है, कुछ अराइवल्स हैं, सीजनल विजिटर्स हैं जो उसी सीज़न में आते हैं, जैसे लेपर्ड है वो उसी सीज़न में आता है, और बहुत सारी लीचीज हैं जो उसी में सेवरल थाउजेंड्स, बहुत सारी हज़ारों में लीचीज वहाँ आती हैं। यस्टरडे आफ्टरनून जो है दोपहर की वो बात बताता है राइटर हमारा कि लेपर्ड आता है जो स्कूल के पास सर्वेंट क्वार्टर्स हैं उनके पास और एक डॉग को उठाकर ले जाता है। इवनिंग टाइम में वो अटैक करता है बीजू की काऊ के ऊपर जो है अटैक करता है, लेकिन वहाँ बीजू की मदर आ जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो राइटर कहता है कि मैं लेपर्ड से तो इस तरह से बच सकता हूँ। और जो लीचीज़ हैं, अब सेकंड जो विजिटर है वो कौन है, फर्स्ट तो हमारे लेपर्ड थे और नेक्स्ट कौन है हमें लीचीज़ जो है बेटा कहते हैं कि आई से सून गेट यूज टू, मैं आदी हो जाऊंगा, कि वो तो मेरा जो ब्लड लेटिंग करेंगे थोड़ा खून निकालेंगे चूसेंगे और उन चीज़ों का तो मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा, इट मीन्स दैट विल बी ए रूटीन वर्क फॉर मी। अदर न्यू अराइवल्स, और कुछ अराइवल्स हैं बेटा, स्कारलेट है, मिनीवेट्स मीन्स छोटी पक्षी जो आप ये कह सकते हैं कि स्पैरोज जो हैं अलग अलग कलर की जो हैं वो स्पैरोज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और जो फीमेल है वो येलो कलर की होती है, और ये जो मेल है वो स्कारलेट कलर का होती, कि जो स्पैरो है फिटिंग साइलेंटली,
और बहुत ही आराम से वो पेड़ों के पत्तियों के ऊपर जो है ज्वेल्स की भांति, मीन्स मोतियों की भांति जो है चमक रही हैं, इधर उधर फुदक रही हैं। नो मैटर हाउ लीफी, ये कोई मैटर नहीं है कि पेड़ों के ऊपर कितने पत्ते हैं, एंड ब्राइटली कलर, जो सुंदर बर्ड्स हैं वो अपने आप को कंसील नहीं कर पाते, छुपा नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमकदार हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। अब वो एक काम कर सकते हैं, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल चुप रहकर वो कुछ समय के लिए अपने आप को अननोटिस करवा सकते हैं कि हमें ये ना पता लगे कि यहाँ पर बर्ड्स हैं। अलोंग और उनके साथ ही एक पेड़ और आता है बेटा, ड्रोंग्स का, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है और जो मिनीवेज्स को भगा देता है, जो स्पैरोज आई हुई हैं उनको, उनके पीछे भागकर उनको भगा देता है। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं बर्ड्स वहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीजन मान के आ रहे हैं। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली, एक ट्री क्रीपर जो है एक पेड़ पर चढ़ने वाली बेल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर रही है, ऊपर चढ़ रही है ओक ट्री के। स्नैपिंग एक इंसेक्ट्स उनके पास, उसके ऊपर जो है बेटा बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं, कीड़े भी हैं। और अब जो रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो राइटर कहते हैं कि जो इंसेक्टिवर्स बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं, उनके लिए फूड की कमी नहीं है, उनके लिए प्लेंटी ऑफ फूड है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना मौजूद है। उसके बाद बेटा जून के बाद राइटर जो हैं अपनी डायरी लिखते हैं सेकेंड अगस्त को, ऑल नाइट, पूरी रात जो है बारिश होती रहती है, ड्रमिंग ऑन द, जो टिन की रूफ है बेटा, जो इसके हमारे राइटर की जो मकान की छत है वो टिन की बनी हुई है, और उसके ऊपर जब वो गिर रही है बारिश, तो वो एक ड्रम की साउंड दे रही है, नॉइज़ कर रही है, आवाज़ कर रही है। वहाँ पर ना ही तो स्टॉर्म है, तूफान भी नहीं है रात में, ना ही बिजली की गड़गड़ाहट है, लेकिन जो ट्रॉपिकल डाउन पोर है, लगातार होने वाली बारिश जो है उसकी वजह से वो आवाज़ आ रही है। राइटर कहता है इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ये मेरी हेल्प करता है मुझे जागे रहने में, कि वो बारिश से आवाज़ हो रही है, वो राइटर क्या है जग रहा है, और सेम टाइम जो है इट डजेंट कीप मी फॉर ए फ्रॉम स्लीपिंग, और ये मुझे सोने से भी नहीं रोक पा रही है। देखो राइटर क्या कह रहा है बेटा, वो जगा भी रही है, लेकिन जो उसके होने से राइटर कह रहा है कि वो मुझे सुला भी रही है, इट मीन्स जो उससे आवाज़ आ रही है वो मधुर आवाज़ लग रही है राइटर को, और उस मधुर धुन में, आवाज़ में वो सोने से भी नहीं रोक पाता है अपने आप को। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय, मतलब उसको रीड करना, उस आवाज़ को पहचानना बहुत अच्छा लगता है। रेन, बारिश हो रही है बाहर, और अंदर क्या है, क्वाइट विद इन है, बहुत चुप्पी भी है। एंड ऑल दो टिन रूफ जो हैं आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, देखो बेटा टिन की छत है उसमें बहुत सारी लीकेज है, लीकेज जो है मीन्स छोटे छोटे होल हैं, कहीं से क्रॉसिंग है, तो देर इज ए फीलिंग, राइडर को फीलिंग आ रही है कि वो बारिश से भी अनटच्ड बाई है, कि बारिश में नहीं भीग रहा है, एंड येट इन टच विद, और बारिश के टच में भी है, रेन के, मीन्स वो बारिश को इस तरह से इंजॉय कर रहा है, वो छोटी छोटी फुहार जो हैं बारिश की आ रही हैं, कि मैं बारिश में भी भीग रहा हूँ और मैं बारिश में भीग भी नहीं रहा हूँ। इसके बाद है बेटा 3 अगस्त, द रेन स्टॉप, बारिश रुक जाती है, जो क्लाउड्स हैं वो उन्होंने टूटना शुरू कर दिया है, जो सूर्य है वो भी जो स्ट्राइक द हिल पहाड़ी के ऊपर जो है दिखाई दे रहा है, चमकदार है। जो वुमेन है, ए वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, लकड़ियाँ काट रही है एक औरत जो है। आई हियर द टिंकल ऑफ काऊ बेल्स, जो काऊ बैल्स हैं बेटा, काऊ के गले में बंधी हुई जो घंटियां हैं उसकी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। जो ओक ट्री है उसके ऊपर क्रो सेकिंग, जो क्रो है वो अपने आप को, अपनी फैदर को हिला रहा है, अपनी पंखों को हिला रहा है, और वहाँ से जो है रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फैदर, उसके फैदर से जो है क्या हो रहा है, रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, पानी की बूंदें गिर रही हैं, और काऊ काऊ की आवाज़ जो है वो कर रहा है अनहैप्पीली, मीन्स बहुत ही निराशा से। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम द लीकिंग रेन पाइप,
जो पाइप है वहाँ से लीकिंग है और पानी गिर रहा है। सडनली एक बहुत ही क्लियर एंड प्योर सॉन्ग राइटर को सुनाई देता है कि वो पानी जो लीक कर रहा है पाइप से, उससे साउंड जो आ रही है वो एक म्यूजिकल साउंड लगती है राइटर को। एंड इमर्जेस लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट, और क्या लगता है कि इस तरह से लगता है कि एक गहरी घाटी से रिवाइन होता है बेटा, वैली घाटी से, डेप्थ ऑफ घाटी की गहराई से एक बहुत ही डार्क स्वीट सीक्रेट, बहुत ही अच्छी धुन, एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक निकला है। राइटर को ऐसा महसूस होता है, बहुत ही एक एक गीत उभरा है जिसमें बहुत सारे गहरे राज हैं। नेक्स्ट है बेटा अगस्त 12th को राइटर ने लिखा है, फिर इसके बाद एंडलेस रेन मीन्स ऐसी बारिश हो रही है जो अंतहीन है, कोई अंत नहीं है, परमानेंट मिस्ट है, धुंध है। हमने जो सूर्य है 8 या 9 डेज से सन को नहीं देखा है, हर चीज़ जो है डैम्प है, सॉगी है, गीली है, और उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया है। नो वेयर टू गो, कहाँ जाएं, कहीं भी वो नहीं है। पेस द रूम, रूम में पेस होता है बेटा, मूव हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमना, कि रूम में आप इधर उधर घूम सकते हैं। लुक आउट ऑफ द, और विंडो में से बाहर जो है बोबिंग अम्ब्रेलाज को, मीन्स छोटे छोटे जो अम्ब्रेला लेकर बाहर लोग निकल रहे हैं, गोल गोल छाते हैं, उनको देख सकते हैं। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड, एटलीस्ट मीन्स ये ठंड नहीं है। अभी देखो अगस्त का ही महीना है, अगस्त का जो सीजन है उसमें हम देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। एंड हिल साइड्स आर, जो हिल साइड हैं वो किससे, जो मानसून फ्लावर्स हैं उनसे भरे हुए हैं। हिल्स के ऊपर मानसून के समय में उगने वाले पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और उन पौधों में कौन कौन से हैं बेटा, वाइल्ड बल्सम है, डहलिया है, जो है बिगोनिया है, और ग्राउंड ऑर्किड है। तो इस तरह के ये सब फ्लावर्स के जो पौधे हैं और ये उगे हुए हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, अगस्त महीने का अब लास्ट डे आ गया है बेटा, और जो मानसून है वो अपनी ग्रोथ के ऊपर है, मीन्स पीक के ऊपर है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जो लिली, कोबरा लिली है, वो टर्निंग रेड, वो उन्होंने जो है रेड होना स्टार्ट हो गई हैं, वो उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गई है इस फ्लावर का। सिग्निफाई, किसको दर्शा रहा है, दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। देखो बेटा बारिश जब ख़त्म होने को सीज़न स्टार्ट हुआ, और अगस्त के लास्ट तक जो है मानसून का सीज़न मोस्टली ख़त्म हो जाता है, तो राइटर कहता है कि जब लिली, कोबरा लिली के फ्लावर्स जो हैं रेड कलर के हो जाते हैं, इट मीन्स ये सिंबल है उसका, ये हमें दर्शाता है कि मानसून का सीज़न जो है वो ख़त्म होने वाला है, रेनी सीज़न जो है ख़त्म होने वाला है। इन ए फ्यू डेज़, कुछ ही दिनों में जो फर्न्स हैं विल स्टार्ट टर्निंग येलो, जो फर्न हैं, जो लिली फर्न हैं, वो येलो स्टार्ट हो जाते हैं, येलो हो जाता है उनका कलर, लेकिन अभी जो हैं वो स्टिल हैं, खड़े हुए हैं, फर्म हैं, मजबूत हैं, और ग्रीन हैं। अपराइट मीन्स स्ट्रेट खड़े हुए हैं बेटा, और ग्रीन हैं। जो इसके बाद कुछ और जो हैं ये इसके फ्लावर्स के नाम लिए गए हैं प्लांट्स के, ग्राउंड ऑर्किड है बेटा, माव लेडीज स्लीपर है, एंड जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड है। ये जो फ्लावर्स हैं बेटे, इनको लैंडोर पे, स्लोप्स ऑफ लैंडोर, ये जगह का नाम है बेटा, लैंडोर के स्लोप्स के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, जो ग्रीन ग्रास के ऊपर फैशन के लिए डिस्प्ले किया गया है, दर्शाया गया है, मीन्स पहाड़ी के ढलान के ऊपर कुछ ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ग्राउंड ऑर्चिड, माव लेडी स्लीपर, इनको शो के लिए, दिखाने के लिए, फैशन के लिए इनको दर्शाया गया है। कुछ जो हैं बेटा, जैसे वाइल्ड डहलिया है रेड और येलो और मैजेंटा कलर में, इसका जो लाल पीला और जो रानी कलर है, इस तरह से मीन्स उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। वो रियर देयर हेड, अपने हेड को निकाल रहे हैं, चट्टानों में से बाहर निकाल रहे हैं, मीन्स पहाड़ी जो चट्टाने हैं, जैसे रॉक्स बनी हुई हैं, इनके ऊपर ये फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो नेम्स हैं बेटा, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये फ्लावर्स अपने हेड को ऊपर निकाल रहे हैं, इट मीन्स वो वहाँ पर बड़े हो रहे हैं।
स्नेक्स एंड रोडेंट्स हैं बेटा, कुछ स्नेक हैं जैसे कुछ सांप हैं और कुछ कुतरने वाले जानवर, जिस तरह से रोडेंट्स में कौन आता है, रैट आता है, चूहा आता है, जो चीज़ों को कुतर कर खाते हैं। रोडेंट्स हैं वो अपने होल से बाहर आते हैं, आउटसाइड आते हैं अपनी ब्यूरो में से, और रूफ्स में शेल्टर लेते हैं, कोई एटिक में छुप जा रहा है और कोई गोदान के अंदर। इट मीन्स जो इस सीज़न में क्या हो जाता है बेटा, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अंदर, और अंदर होल में रहने वाले, ब्यूरोज में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, क्रीपर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। इश्यू वीक ऑफ आईसाइट, एक आप ये जो है बेटा ये इश्यू, ये रैट का ही जो है, इसको आप ये कह सकते हैं कि चूहे की ही जाति का होता है, इसको हिंदी में छुछुंदर बोलते हैं, उसकी बहुत नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और ब्लंडर अबाउट द रूम्स मीन्स इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करवाता है ये अम्यूजमेंट, इधर उधर घूमता है, उसको दिखाई नहीं देता है, और बच्चे बहुत ज़्यादा फन करते हैं। जो ग्रैंड मदर है वो चिल्लाती हैं कि डोंट किल इट, इसको अभी जो है मारना नहीं है। छुछुंदर जब घर में आता है तो वो लक्की होता है, और दे ब्रिंग मनी, और वो पैसा लेकर आता है। एंड श्योर एनफ, राइटर कहता है कि मैं भी इस बात के लिए निश्चित हूँ कि छुछुंदर जब भी आता है घर में पैसा लेकर आता है, तो आई रिसीव ए चेक इन द मेल, मेल से मुझे एक चेक रिसीव होता है। वो बहुत ज़्यादा लार्ज वन नहीं है, बड़ा जो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट वेलकम ऑल द सेम, मीन्स हमें तो कम पैसे हों चाहे ज़्यादा हों, बट राइटर कहता है मेरे लिए तो पैसे हैं। उसके बाद है बेटा अक्टूबर 3, वी हैव गोन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, के अंदर हम चले जाते हैं बेटा मानसून से अक्टूबर का सीज़न। देखो अभी अगस्त के बाद डायरेक्ट कहाँ आ गए हैं, अक्टूबर में आ गए हैं। स्नो एट, जो स्नो है वो हायर एल्टीट्यूड पे है, मीन्स बहुत ज़्यादा फोग गिर रही है, धुंध गिर रही है, और जो है अभी स्नो आ गई है, बर्फबारी होने लगी है। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टोन, इवनिंग हेलस्टोन के बाद हेलस्टोन होता है बेटा बर्फ़ के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं। द स्काई एंड हिल्स आर, जो स्काई हैं और जो हिल हैं, पहाड़ियां हैं और जो आकाश है, वो बहुत ही चमकीला रोशनी से भर गया है, बहुत ही फर्स्ट विद ए ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट, मीन्स कवर्ड विद ए बहुत ही सुंदर चमकदार लाइट से भर गया है। अब बेटा जनवरी 6 में आ गए हैं हम। विंटर रेन इन द, विंटर रेन है बेटा, विंटर सीजन की रेन हो रही है हिल्स के अंदर, पहाड़ियों के अंदर, और वहाँ पर जो है इतनी चुप्पी छाई हुई है। इन द हर्स्ट साइलेंस, मीन्स बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है ऑफ द हाउसेज। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड, और मेरा जो मित्र है, हु वॉज हेयर, जो यहाँ था, हैज़ गोन, जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली, ये बहुत अकेलापन मुझे महसूस हो रहा है, और वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा चुप्पी मुझे, मीन्स हर जगह राइटर को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस महसूस हो रही है। और राइटर बैठ जाता है इन्हें लिक्विड साइलेंस, मीन्स बेटा टोटली चुप होकर, ए साइलेंस विद इन, और वो साइलेंस किससे घिरी हुई है, सराउंडेड बाई, घिरी हुई है राइम ऑफ रेन, बारिश की राइम से, मीन्स लय से, बारिश हो रही है और बारिश की जो टप टप की आवाज़ गिरने की आ रही है, राइटर कहता है उस लय से, उस धुन से मैं घिरा हुआ हूँ। और जो पानी है वो लीव्स के ऊपर गिर रहा है लगातार, लेमन्स के ऊपर, रूफ के ऊपर, और एक ड्रम की भांति आवाज़ आ रही है, और डहलिया के फ्लावर्स हैं, विंडो पेन्स हैं, और बिल्कुल इन सब चीज़ों ने जो क्या है, बारिश से भीग गए हैं ये फ्लावर्स, विंडो पेन्स मीन्स विंडो के जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, वो सब भीग गए हैं। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस और इन ए डार्क केयर्स, जो मिस्ट से जो है घर जो है वो धुंध से बिल्कुल ढक गए हैं बेटा, कवर हो गए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड एज आई पोज नियर ए विंडो, अगर मैं विंडो के पास खड़ा हो जाता हूँ तो बारिश रुक जाती है, और कभी कभी दोबारा से स्टार्ट्स अगेन, दोबारा से शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज, और जो पेड़ हैं बेटा वो नो लॉन्गर ग्रीन, अब हरे भरे नहीं रहे हैं, वो ग्रे कलर के हो गए हैं। इट मीन्स जो ये हमारे लीव्स हैं, इनका कलर जो है
चेंज हो गया है, स्लेटी कलर का कलर हो गया है, ग्रे कलर हो गया है। और मीनेंस में विद देयर लॉनलीनेस, और मीनेंस होता है बेटा थ्रेटन, धमकी देना, और वो मैं अकेला हूँ इसलिए सारे पेड़ मुझे धमकी दे रहे हैं। अब मार्च 23 बेटा, मार्च 23rd में क्या होता है, लेट मार्च है, एंड ऑफ विंटर है, विंटर का सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। द ब्लैकस्ट कुड आई हैव एवर सीन स्प्रेड ओवर द ओवर मंसूरी एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। और क्या है बेटा, जैसे ब्लैकस्ट क्लाउड हैं, बहुत सारे जो हैं क्लाउड हैं, इतने गहरे काले बादल हैं, राइटर कह रहा है कि मंसूरी के ऊपर फैले हुए मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे, इतने गहरे काले बादल जो है मंसूरी के ऊपर फैले हुए हैं। और उसके बाद क्या होता है, इतने गहरे काले बादल हैं तो देन इट हेल्ड मार्बल्स, मार्बल्स मीन्स बेटा ओलावृष्टि होती है फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वहाँ पर ओलावृष्टि की मीन्स बहुत ज़्यादा होती है। नथिंग लाइक ए हेल स्टोन, और इस पर हेल स्टोन के जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता, जो कुछ भी नहीं है ऐसा दिखाई देता है। और टू क्लियर द स्काई, स्काई क्लियर हो जाता है, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। इवन एज ए राइटर, राइटर क्या कहता है कि आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, इतना मौसम एकदम से हेल स्टोन के बाद वहाँ पर इतना साफ मौसम हो जाता है कि राइटर वहाँ पर रेनबो को देखता है। देखो रेनबो तभी बनता है बेटा जब क्लाउड्स जो है टोटली अच्छी तरह से बारिश हो जाती है, और जो एक सेवन कलर्स की एक स्ट्रिप, जो सेवन कलर की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिप और सर्कल वे में जो बनती हैं हमारे क्लाउड्स के अंदर, हमने भी बहुत बार देखा है, तो राइटर कहता है कि वो एकदम से अपीयर हो जाती हैं और मैंने वहाँ पर रेनबो देखा है। तो राइटर हैं बेटा रस्किन बॉन्ड की डायरी है, उनके ये पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ यू रीड दिस चैप्टर, थैंक।